हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एमके ग्लोजोन और मैं हूं ममता। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ फिर से एक बार शेयर करने वाली हूं वेट लॉस के बारे में कुछ बातें। क्या आप भी सोचते हैं कि भूखे रह के आप वेट कम कर लेंगे? क्या आपको लगता है कि नवरात्रे के 9 दिन के व्रत रख के आप वेट कम कर लेंगे? या फिर आपको लगता है कि आप नाश्ता छोड़ दें या फिर एक टाइम का लंच छोड़ दें तो आप पतले हो सकते हैं? तो अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ये आपका एक बहुत बड़ा मिथ है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। अगर आप ये सोचते हैं कि भूखे रह के आप अपने वेट को कम कर लेंगे, आप अपना वज़न घटा लेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। अगर इसके बारे में सोच भी रहे हैं ना, तो उसको अभी के अभी त्याग दीजिए, क्योंकि अगर आप भूखे रह के वेट लॉस करने का सोच रहे हैं तो वेट लॉस होने की जगह आपका वेट बढ़ने लगेगा। जी हाँ, आपका वेट बढ़ने लगेगा। भूखे रह के कभी भी आप अपने वेट को कम नहीं कर सकते हो, बल्कि आप किस चीज़ को बढ़ा लेते हो? अपने वेट को बढ़ाते हो, उसके साथ साथ आप अपनी फ्रस्ट्रेशन, आप अपना गुस्सा, एंग्री हो जाते हो। मतलब पति को, भैया मैं नहीं खा रही, तू भी मत खा, तेरे लिए भी नहीं बना रही मैं कुछ क्योंकि मैं नहीं खा रही। बच्चों पर गुस्सा उतरने लगता है। जब इंसान का पेट खाली होता है ना, तो उसको गुस्सा ही आता है और कुछ नहीं आता है, सिर्फ गुस्सा, इरिटेशन, कमज़ोरी आती है बॉडी में। ठीक है, तो कभी भी वेट लॉस करने के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो भूखे रह के कभी भी वेट लॉस नहीं करना है, हमेशा खाना खा के वेट लॉस करना है। जी हाँ, आप लोगों को मैं ये चीज़ बताना चाहूँगी कि जब भी हम भूखे रहते हैं तो हमारी बॉडी एक सिग्नल, मतलब पेट जो है हमारे दिमाग को एक सिग्नल देता है कि हम भूखे हैं। अब भूखा इंसान क्या ढूँढेगा? खाना ही ढूँढेगा ना, हर जगह खाना ढूंढेगा भाई। तो फिर क्या होता है कि चल तूने ये लंच खोला है, एक बाइट ले लेता हूँ, ठीक है, तूने ये करा है, एक बाइट ले लेती हूँ। अच्छा, अब घूम फिर के जब भैया हमारा सबर का बांध टूटता है तो चिप्स मिल रहा है, चिप्स खाएंगे, कोल्ड ड्रिंक मिल रही है, कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, कुछ भी मिलेगा हमें हम उस टाइम पर खाएंगे। अच्छा है आप अपना जो प्रॉपर मील है वो लीजिए, अपना लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर कीजिए, उसके साथ साथ 2 मिड मील भी लीजिए, तो आपको कभी भी क्रेविंग्स नहीं होंगी, इस तरीके की भूख नहीं लगेगी कि भैया कुछ भी मिल जाए हम खा लेंगे। नहीं, आपको इस चीज़ से बचाना है आपको कि हम कुछ भी मिल जाए मैं खा लूँ, पेट भरना चाहिए बस। इसके लिए आपको अपना जो खाना है, अपना लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट और अपने 2 मिड मील लेने ही लेने हैं। भूखे रह के कभी भी वेट लॉस नहीं होता है, बल्कि भूखे रहने की वजह से हमारी बॉडी एक हार्मोन रिलीज़ करती है जिसकी वजह से हमारा वेट बढ़ने लगता है। अब एक मुझे बात बताओ, कमेंट में बताना कि नवरात्रों में जो हम 9 दिन का व्रत रखते हैं, किस बंदे का 1-2 किलो वेट कम हुआ है 9 दिन में? किसी का हुआ है? किसी का नहीं होता, बल्कि मेरा खुद नहीं होता जबकि मैं 9 व्रत रखती हूँ। क्या होता है उसमें? भैया साबुदाने के पापड़ खा लिए, भूख लगी होती है उस टाइम पे, तो साबुदाने के पापड़ खा लिए, 2-3 बार तो दूध पी लेते हैं, बनाना शेक पी रहे हैं, कोई भी फ्रूट मिल रहा है वो खा रहे हैं। तो कभी भी व्रतों में, चाहे किसी भी चीज़ में, भूखे रह के कभी भी वेट लॉस नहीं होता है। ये एक झूठ है, बहुत बड़ा मिथ है कि मैंने भूखे रह के वेट लॉस किया है, ऐसा कुछ नहीं हो। 3 टाइम खाओ, 2 टाइम मिड मील खाओ, क्वांटिटी खाने की कम करो, खाना बंद मत करो, ठीक है। और एक चीज़ मैंने ये देखी है, नोटिस की है, अब हम अगर 3 टाइम का खाना, नाश्ता, ब्रेकफास्ट और लंच, उसके साथ 2 मिड मील जो कि 11 बजे और 5 बजे 2 मिड मील लेते हैं, उसके बाद भी अगर आपको क्रेविंग लगती है तो वो क्रेविंग पानी की है, भूख की नहीं है। भैया कई लोग ऐसे होते हैं जो इतना खाने के बावजूद भी जब उनको क्रेविंग लगती है तो पानी पीने की जगह कुछ सॉलिड डाल लेते हैं पेट में, तो उससे क्या होता है कि उनका जो वेट है वो घटने की जगह और ज़्यादा बढ़ने लगता है। तो आपको क्या करना है, आपको जब क्रेविंग लगे तो आपको पानी पीना है। कई बार बॉडी पानी मांग रही होती है लेकिन पेट खाली होने की वजह से हमें लगता नहीं है, भूख ही लग रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता, आपको पानी पी लेना चाहिए उस टाइम पे। सो भूखे नहीं रहना है, खाना खाना है और कम क्वांटिटी खानी है, खाना ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं खाना है, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में आपको खाना खाना है। सो इस तरीके से आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यही था मेरा आज का वीडियो। वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। और अगर वेट लॉस से रिलेटेड कोई बात पूछनी है या मैंने किस तरीके से किया उससे रिलेटेड कोई चीज़ पूछनी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मुझे टॉपिक अच्छा लगा तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।